रात का समय था। विनीत और रश्मि कार में पुणे से गोवा जा रहे थे। विनीत और रश्मि की शादी कुछ महीनों पहले ही हुई थी, लेकिन कुछ कामों की वजह से विनीत को छुट्टियां कम मिली थी, इसीलिए वो हनीमून ट्रिप पे नहीं जा सके थे। इसलिए अब वो हनीमून के लिए गोवा जा रहे थे। रात के 1 बज रहे थे। वो लोग जंगल के रास्ते गुजर रहे थे और जंगल का रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। विनीत कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसने झपकी ली। कार रास्ते के बाजू वाले पेड़ से टकराने वाली थी, लेकिन रश्मि ने उठाया और कार पेड़ से टकराने से बची। सॉरी यार, आज ऑफिस में बहुत सारा काम था, मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, इसी वजह से मेरी आंख लग गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम सो जाओ वरना सच में कार ठुकवा दोगे, रश्मि ने कहा। लेकिन वो लोग उसी जंगल में कार रास्ते के किनारे लगाकर सो नहीं सकते थे, क्योंकि जंगल घना और सुनसान था, चारों ओर डकैतों का खतरा था। इसलिए उन्होंने आगे आने वाले किसी लॉज पे सोने का फैसला किया। कुछ ही दूर जाते ही विनीत को जंगल के रास्ते किनारे पर एक बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था लॉज अहेड। उसके कुछ ही मीटर पे एक लॉज था। विनीत ने कार रास्ते के किनारे पार्क कर दी, क्योंकि पार्किंग लॉट में बहुत सारी गाड़ियां पहले से ही खड़ी थी। तुम कार में ही ठहरो, हाँ मैं पूछ के आता हूँ कि रूम अवेलेबल है या नहीं, ऐसा कहकर वो कार से उतरकर लॉज की तरफ चला गया। वो लॉज में जाने ही वाला था कि तभी एक भिखारी ने विनीत की कॉलर पकड़ ली और बोला, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर विनीत डर गया। कौन इंतजार कर रही है? दुल्हन, प्यासी दुल्हन, वो तुम्हें मार डालेगी। भिखारी आंखें बड़ी करते हुए विनीत से बोला, चलो यहाँ से, चलो चलो। ऐसा कहते हुए वो विनीत की बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। लेकिन तभी वॉचमैन उसके सामने आ गया। ए पागल, चल निकल यहाँ से। तू चल यहाँ से, तू चल यहाँ से, भिखारी विनीत का हाथ खींचते हुए बोला। लेकिन विनीत ने अपना हाथ उसकी हाथों से छुड़ाया और बोला, छोड़ हाथ पागल, छोड़, निकल जा यहाँ से वरना मार खाएगा, निकल। वॉचमैन उस पागल पर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास ताबीज है, मेरे पास ताबीज है। ऐसा कहते हुए वो पागलों जैसे हंसने लगा। ये देखकर विनीत को उस पागल पर दया आ रही थी। चलिए साहब। ऐसा कहते हुए वॉचमैन विनीत को लॉज की तरफ ले जाने लगा। वो पागल किस दुल्हन के बारे में बात कर रहा था? अरे साहब, वो कुछ साल पहले ये आदमी अपने साथ एक औरत को इस लॉज में लाया था। इन दोनों ने गांव से भागकर शादी कर ली थी। उस औरत की पहले से ही एक आदमी से शादी हो गई थी और वो शादीशुदा थी, लेकिन इन दोनों के बीच प्यार हुआ, इसलिए इन्होंने गांव से भागकर शादी करने का फैसला किया और बाद में कहीं दूर जाकर घर बसाने का सोचा। ये पागल अपनी सारी खेती बाड़ी बेचकर पैसा बैग में भरकर अपने साथ लाया। उस रात उनकी सुहाग रात थी। उस औरत ने उसे दूध में बेहोश करने वाली दवाई मिलाकर पिलाई और जब ये पागल होश में आया तो इसकी बीवी लॉज में नहीं थी और पैसों का बैग भी नहीं था। जब वो वापस गांव चला गया तो उसका पति घर को ताला लगाकर कहीं दूर निकल गया था। इसे पता चला कि उन पति पत्नी ने उसे चूना लगाया है और वो अब भिखारी बन चुका है। वो सदमा बर्दाश्त ना कर सका और पागल हो गया। तब से वो इसी लॉज के बाहर घूमता रहता है। उसे लगता कि उसकी दुल्हन इसी लॉज में है और जैसे उसको लूटा वैसे वो दूसरों को भी लूटेगी। उस वॉचमैन ने विनीत से कहा। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर विनीत को पागल के लिए बहुत बुरा लगा। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि वो तुझे मार डालेगी? अरे साहब, आप भी क्या उस पागल की बातों में आ गए? पागलों की बातों में सच्चाई थोड़ी होती है, वो तो जो मन में आए वो बक देते हैं, वॉचमैन ने कहा। बातें करते हुए वो दरवाजे तक पहुंच गया। वॉचमैन ने दरवाजा खोला और विनीत लॉज के अंदर चला गया।
काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ था। विनीत उसके पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पर कोई खाली कमरा है? वैसे ना जाने वो क्यों डर गया और धीमी आवाज में बोला, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई कमरा नहीं है। विनीत को उसकी बात ठीक से सुनाई नहीं दी, इसलिए वो दोहराते हुए बोला, क्या कमरा नहीं है? ये सुनकर वहां पर मैनेजर आ पहुंचा। ये तुम क्या कह रहे हो, हमारे यहाँ पे रूम नंबर 11 खाली है ना? मैनेजर उस लड़के पे चिल्लाते हुए बोला। हाँ सर, एक कमरा खाली है। वो लड़का डर कर हंसते हुए बोला। विनीत को अजीब लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। खैर, वो रश्मि को और सामान को लेने के लिए कार की तरफ जाने वाला था कि तभी वहां पर रश्मि आ पहुंची। वो सूटकेस लेकर वहां पर आई थी। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें लेने के लिए बस आने ही वाला था, विनीत ने कहा। उसके बाद मैनेजर ने एक छोटे बच्चे को आवाज लगाई और उन दोनों को कमरा दिखाने के लिए कहा। कमरा दूसरे मंजिल पे था। उस छोटू ने उन दोनों का सूटकेस उठा लिया और कंधे पर रखकर उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा। वो लोग सीढ़ियां चढ़कर रूम नंबर 11 के पास पहुंचे। कॉरिडोर में एक सफाई कर्मचारी फर्श साफ कर रहा था। उसने विनीत की तरफ देखा और उसे दांत दिखाकर बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराया। विनीत को उसकी मुस्कुराहट पसंद नहीं आई और उसने मुंह फेर लिया। उस छोटे बच्चे ने उन्हें रूम दिखाई और उन्हें रूम खोल कर दी। रश्मि सूटकेस लेकर रूम के अंदर चली गई। विनीत ने जेब से 50 रुपये निकाले और उस बच्चे को देते हुए बोला, ये लो बेटे टिप। पर वो बच्चा केवल पैसों की तरफ ही देखता रहा। उसने वो पैसे नहीं लिए, लेकिन उसने विनीत से कहा, चले जाओ साहब, चले जाओ। उसकी ये बात फर्श को साफ कर रहे सफाई कर्मचारी ने सुनी और वो बच्चे पे चिल्लाया, क्यों बे चूजे, क्यों परेशान कर रहा है साहब को, चल भाग यहां से। वैसे वो बच्चा वहां से भाग गया। विनीत ने उस कर्मचारी की तरफ देखा तो वो फिर से विनीत की तरफ दांत दिखाकर मुस्कुराया। उसके दांत लाल थे, मानो उसने किसी का खून पिया हो। विनीत कमरे के अंदर गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। विनीत अंदर आया और बेड पर लेट गया। रश्मि कमरे में नहीं थी, इसका मतलब वो वॉशरूम में गई थी। विनीत सोचने लगा कि वो पागल आदमी, रिसेप्शनिस्ट और छोटा बच्चा तीनों उसे लॉज से जाने के लिए क्यों कह रहे थे, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। और वो सफाई कर्मचारी जो कॉरिडोर का फर्श पोछ रहा था, उसके दांत, उसकी मुस्कुराहट बहुत ही डरावनी थी। वह बेड पर लेटे सोच ही रहा था कि तभी उसे कमरे में एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज शायद बेड के नीचे से आ रही थी। कौन है, कौन है बेड के नीचे, विनीत ने पूछा। वह घबरा गया था, लेकिन वो रोने की आवाज लगातार आ रही थी। विनीत हिम्मत करके बेड के नीचे उतर गया और उसने बेड के नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी, विनीत मन ही मन सोचने लगा और वो फिर से बेड पर लेट गया। लेकिन तभी उसका बेड जोर जोर से हिलने लगा, मानो बेड के नीचे से कोई उसे लात मार रहा था। विनीत डर गया और बेड से नीचे उतर गया। उसने बेड के नीचे देखा तो नीचे कोई भी नहीं था। वहां पर बस एक बड़ा सा अनजान लाल सूटकेस था। उसके अंदर कुछ हलचल हो रही थी, शायद कोई उसके अंदर था। तभी उसके अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। विनीत डर गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद किसी ने उस औरत को जबरदस्ती बेहोश करके सूटकेस के अंदर बंद कर दिया होगा। विनीत ने वो सूटकेस बेड के नीचे से खींच कर बाहर निकाला। और जैसे ही उसने सूटकेस की थोड़ी सी जेब खोली, उसके अंदर से हाथ निकला और उसने विनीत का गला पकड़ लिया।
विनीत डर गया। उसने अपना गला उस हाथ से छुड़ा लिया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। उस हाथ ने सूटकेस की बची जिप खोल दी और जैसे ही पूरी सूटकेस खुली उसमें से एक औरत का कटा सर बाहर आकर गिर गया। वह सीधे विनीत के पैर के पास आकर रुक गया। उसने सूटकेस की ओर देखा तो उसमें से एक शादी का जोड़ा पहने बिना सिर वाली औरत बाहर निकली। विनीत जोर से चीखा और चीखते हुए दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर गया। उसने कमरा बाहर से बंद कर दिया। वह घबराते हुए दरवाजे को देखते हुए खड़ा था तभी उसे सफाई करने वाले आदमी की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ साहब? उसने मुस्कुराते हुए विनीत से पूछा। यह देखकर उसे बहुत अजीब लगा क्योंकि वो आदमी अभी भी उसी कॉरिडोर में और उसी जगह पर फर्श पोछ रहा था जहां पर वो कुछ देर पहले पोछा लगा रहा था। अंदर अंदर एक दुल्हन की भूत है, विनीत ने उस आदमी से कहा। वैसे वो डरावनी तरीके से दांत दिखाते हुए हंसने लगा और बोला, क्या साहब, मुझ गरीब के साथ क्यों मजाक कर रहे हो? तभी अंदर से कोई दरवाजा खोलने की आवाज करने लगा। शायद वो वही दुल्हन थी। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। वो दुल्हन अंदर से दरवाजा थपथपाते हुए बोली, अरे साहब, लगता है आपने अपनी पत्नी को अंदर बंद कर दिया है। दरवाजा खोलिए, वो दरवाजा खोलने के लिए कह रही है। नहीं, ये आवाज मेरी बीवी की नहीं है, वो दुल्हन की भूत है। अरे साहब। ऐसा कहते हुए वो आदमी विनीत के पास आया और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। विनीत ने उसे दरवाजा खोलने से रोका लेकिन उसने विनीत को धक्का मारा और वो फर्श पर गिर गया। तभी वो दरवाजा खोला और अंदर से रश्मि की आवाज आई। विनीत खड़ा हो गया और रश्मि के पास गया। उसने रश्मि का हाथ पकड़ा और बोला, जल्दी चलो यहाँ से, इस कमरे में दुल्हन की भूत है। ये क्या कह रहे हो तुम विनीत? हाँ, कमरे में बेड के नीचे एक सूटकेस था। उस सूटकेस में से एक औरत की रोने की आवाज आ रही थी। जब मैंने उसे खोला तो उसमें से एक औरत का कटा सिर बाहर निकला और बाद में उसका बिना सिर वाला शरीर बाहर निकला। तभी मैं कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, विनीत ने रश्मि से कहा। यह सुनकर रश्मि कुछ देर चुपचाप रहकर अचानक से हंस पड़ी। उसके साथ साथ वो सफाई करने वाला आदमी भी हंस पड़ा। रश्मि ने विनीत का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। दिखाओ कहाँ है वो सिर, रश्मि ने कहा। जब विनीत ने कमरे में देखा तो वहां पर कोई भी कटा सिर नहीं था। उसने बेड के नीचे देखा तो वहां पर अनजान खूनी सूटकेस था। वो देखो, उसी सूटकेस में वो दुल्हन थी, विनीत सूटकेस की तरफ उंगली करते हुए बोला। रश्मि ने वो सूटकेस बेड के नीचे से बाहर निकाला तो वो बिल्कुल खाली था। यह देख विनीत चौंक गया। शायद यही कहीं कमरे में छुपी होगी वो। तुम थक गए हो और तुम्हें नींद लगी है, इसीलिए तुम्हें वहम हो रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में उस सिर कटी दुल्हन को देखा है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। हम लोग दूसरा लॉज ढूंढ लेंगे, विनीत ने कहा और वो कमरे के बाहर जाने लगा। लेकिन रश्मि ने उसे रोका और उसे कमरे में ले जाकर बेड पे धक्का दे दिया। और फिर उसकी बाहों में जा गिरी। विनीत उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन रश्मि ने उसे बाहों में भरकर कस के पकड़ लिया। तभी विनीत के मोबाइल पर कॉल आया। उसका मोबाइल बेड के बगल वाले टेबल पर रखा हुआ था। उसने सिर्फ अपने हाथ फैलाए और मोबाइल हाथ में लिया और कॉल रिसीव करके कान पे लगाया। हेलो विनीत, मुझे कार में छोड़कर तुम कहाँ चले गए हो? मेरी आंख लग गई थी, मैं अभी उठी हूँ। वो आवाज रश्मि की थी। उसने मोबाइल अपने आंखों के सामने लाया तो वो कॉल रश्मि का ही था। अगर कॉल पे रश्मि है
तो ये कौन है? रश्मि ने कहा कि वो कार में ही है। इसका मतलब जो रश्मि बनकर मेरे साथ इस लॉज में आई है वो रश्मि नहीं है। विनीत मन ही मन बोला। तभी वो औरत जिसने विनीत के सीने पर सिर रखा था उसने अपना चेहरा ऊपर किया और उसका चेहरा देखकर विनीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वह वही लाल जोड़े वाली सिरकटी दुल्हन थी। सब ने साथ छोड़ दिया, बस तुम साथ दो। बहुत दिनों से हूँ मैं प्यासी, मेरी प्यास बुझा दो। वह खूनी दुल्हन डरावनी आवाज में विनीत से बोली। आखिर ये खूनी दुल्हन है कौन? क्या वो खूनी दुल्हन खून पीकर विनीत को मार देगी या कुछ और ही होगा? जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर देखें।